और जॉय, ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक टाइम गाइस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ जानते क्या है, पेशेंस का। हम किसी को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, हम अपनी हार को अपनी लाइफ का मिरर मान लेते हैं, हम किसी भी ऑब्स्टेकल को ऐसा मानते हैं कि हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। हम जब भी कोई जॉब करते हैं तो हमें 6 महीनों में उस कंपनी का सीईओ बनना है। सो द मेजर थिंग दैट वी टुडे आर लैकिंग गाइस इज पेशेंस, एंड पेशेंस इज़ अ वर्चू। इफ़ यू डू नॉट हैव पेशेंस, अगर हमारे अंदर सहनशीलता और संयम नहीं है, तो विश्वास मानिए, एग्ज़ाम छोड़िए, लाइफ की जंग में आप हार जाएंगे। सो गाइस, आज सोचिएगा इसके बारे में, कम से कम पेशेंस और जो एक स्ट्रगल करने की क्षमता है उसको अपने अंदर इंकल्केट करें। बिकॉज चाहे हमारे फादर्स रहे हों, चाहे हमारे ग्रैंडफादर रहे हों, उनके अंदर ये पेशेंस था, उनके अंदर ये सहनशीलता थी, बिकॉज ऑफ दैट दे बिकेम समथिंग। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड गाइज दैट ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू बी पेशेंस। बिकॉज अगर कोई चीज़ ओवरनाइट मिलती है तो वो सक्सेस नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म होती है। पर अगर लंबे समय तक मेहनत करके कुछ सक्सेस मिलती है तो उसकी वैल्यू और उसका टर्म उस सक्सेस का लंबा हो जाता है। सो हेलो एंड वेलकम अगेन गाइज, अ वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग। माई नेम इज़ कुश पांडे एंड यू आर वॉचिंग द 9th अक्टूबर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस फ्रॉम ग्रेडा। चलिए शुरू करते हैं। और आज की तारीख, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 9th अक्टूबर है। 9 अक्टूबर को हम आपके सामने यहाँ पर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है, क्या मेरा ऑडियो, क्या मेरा वीडियो आपको विजिबल है? बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को। याद रखिएगा, 2 आते हैं सेशन मेरे, 8 AM एंड 4 PM। अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, 8 AM 4 PM कर लीजिए। आपको कोई वेबसाइट, आपको कोई बुक, कोई PDF पढ़ना नहीं पड़ेगा। दैट इज़ माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय रेगुलर व्यूअर्स। आप तो रेगुलर हो ही, जो नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ दीज टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। आइए आज जानते हैं, आज हमारे टेबल ऑफ कॉन्टेंट में है क्या, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट ऑफ विथ 15 MCQs, जो कि रिविजन है कल का। फिर टुडे गाइस, इन दिस सेशन वी विल कवर 24 करंट अफेयर्स, जो कि कवर किए गए हैं फ्रॉम द हिंदू, PIB दैट इज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, DD न्यूज़। और उसके बाद मेरा एक स्पेशल सेशन है कुछ सर की न्यूज़ वाइंस, जहां पर वो इम्पोर्टेंट खबरें जो कम से कम शब्दों में हम आपको बता सकें। सो अ वेरी वॉर्म वेलकम एवरीवन गाइस, एंड आई होप एवरीवन इज़ रेडी, एवरीवन इज़ तैयार। पल्लवी जी, मैं चश्मा लगाऊं या ना लगाऊं, मैटर ये करता है कि मैं टाइम पे आऊं और लगातार आपको करंट अफेयर्स एनालिसिस कराता रहूं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए शुरू करें, एंड लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। और एक सेकेंड रुकिएगा, और आते हैं हमारे डिस्कशन पे। उससे पहले गाइस, आप लोग बार बार बोलते हो इसका PDF कहाँ है, PDF कहाँ है, PDF कहाँ है। द PDF इज़ अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल। उस चैनल का नाम है GK ट्यूटोरियल बाय कुश एंड यशी। उस चैनल पर आपका ये PDF अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑल माई एवेंजर्स, आई होप everyone इज़ रेडी, एंड लेट्स असेंबल फॉर द डिविजन टाइम फॉर द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। द 13th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया शैल बी होस्टेड बाई विच स्टेट। निम्न में से कौन सा राज्य एरो इंडिया का 13वां अध्याय आपका होस्ट करेगा? कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर आपका गुजरात? इसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, कर्नाटका में कौन से शहर में आपका होगा, नंबर 1। नंबर 2 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, अमृत स्कीम में कौन सा स्टेट आपका नंबर 1 है? विच स्टेट इज द नंबर 1 इन अमृत स्कीम? क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द फॉलोइंग आई फ्लोस करके एक वेदर फोरकास्टिंग पोर्टल, इनमें से कौन से स्टेट ने आपका लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, कौन सा स्टेट है जहां पर BLUIS लैंड रिकॉर्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है? फर्स्ट आंसर है बेंगलोर, सेकेंड इट इज़ गुजरात, सेकेंड इट इज़ उड़ीसा, माफ़ करना, थर्ड इट इज़ महाराष्ट्र, एंड फोर्थ इट इज़ अगेन उड़ीसा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the maximum tenure of a RBI deputy governor? RBI के सहायक गवर्नर या RBI के deputy governor का कुल tenure, कुल कार्यकाल कितना होता है? 5, 4, 3, 2 या 1, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज ऑप्शन ए,
दैट इज फाइव. आंसर यहाँ पर जो है दैट इज फाइव. मिनिमम 3 साल का होता है, ठीक है, और एक्सटेंशन अगर हम काउंट करें तो प्लस 2 कर सकते हैं, तो ओवरऑल 5 साल का हो सकता है, बट ओवरऑल 5 साल इज द करेक्ट आंसर. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, प्लीज टेल मी हु इज द न्यू गवर्नर. अभी लेटेस्ट डिप्टी गवर्नर आपके कौन बने हैं, जल्दी बताइएगा, जल्दी से उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है गाइस, फटाफट बताइएगा. येस, एब्सोल्यूटली करेक्ट, इट इज मिस्टर राजेश्वर राव. रिस्पेक्ट दे दो यार, मिस्टर राजेश्वर राव, ही इज द लेटेस्ट डिप्टी गवर्नर. उनके अलावा है एम के जैन, आपके एम के जैन, देन वी हैव माइकल डी पात्रा एंड बी पी कनुंगो. एब्सोल्यूटली करेक्ट गाइस, आगे बढ़ते हैं. Which of the following banks has collaborated with Polo to offer unsecured pre-approved loan up to rupees 40 lakhs? 40 lakh rupaye tak ka ek pre-approved unsecured loan inme se kis bank ke sath, inme se kaun sa bank Apollo ke sath provide karega? Axis, HDFC, ICICI, SBI ya fir Kotak Mahindra? Iska answer hai aapka option B, that is HDFC Bank, Housing Development Finance Corporation Bank, HDFC Bank. Isko dosto jo hai wo provide karega. यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन है गाइस, 27th अक्टूबर को हु विल बिकम द न्यू एमडी सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक. द आंसर इज, इट इज आपका शशिधर जगदीशन, वो बनेंगे आपके द एमडी सीईओ. क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, सॉरी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? द आंसर इज, इट इज ऑप्शन सी, That is ICICI Bank. Question number 3 guys, out of the following option, कौन सा बैंक है जिसने एक्सा करके एक वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका आंसर है आपका एक्सिस बैंक. एब्सोल्यूटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च अ वीडियो KYC फीचर? इनमें से वीडियो KYC फीचर लॉन्च करने वाला आपका बैंक कौन सा है? उसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक. कोटक महिंद्रा बैंक ने ये आपका लॉन्च जो है वो आपका दोस्तों किया है, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ MOU विद इंटरनेशनल बारकोड फॉर लाइफ फॉर DNA बारकोडिंग? निम्न में से कौन सा आपका दोस्तों वो एक संस्था है जिसने कि इंटरनेशनल बारकोड फॉर लाइफ के साथ हाल ही में एक अग्रीमेंट आपका किया है? DST, SII, ZSI, ASI या फिर none of these? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज ZSI. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये अग्रीमेंट किया है आपका इंटरनेशनल बारकोड फॉर लाइफ के साथ. मेरा पहला सवाल बनेगा आपसे गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइस, विच इज बेस्ड आउट इन पुणे? इनमें से कौन सा हेडक्वार्टर है, किनमें से कौन सा संस्था है जो पुणे में बेस्ड आउट है? उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है. क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइस, वी विद्यावती इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से किस संगठन की या किस डिपार्टमेंट की आपकी मिस वी विद्यावती डायरेक्टर जनरल है? उसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ASI. आउट ऑफ द फॉलोइंग गाइज, विच इंस्टीट्यूट, विच डिपार्टमेंट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अवॉर्डेड सौरभ लोधा विद द यंग करियर रिसर्च अवार्ड? ये अवार्ड आज से करीब 4 महीने पहले दिया गया था. निम्न में से किसने दिया है यंग करियर रिसर्च अवार्ड टू सौरभ लोधा? द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर गाइज. What is the name of India's premium cotton launched on World Cotton Day? अभी हाल ही में जो 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 हमारी टेक्सटाइल्स की और वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है और ये 7th अक्टूबर को जो वर्ल्ड कॉटन डे होता है उस पर लॉन्च किया जाता है. उसका नाम दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ कस्तूरी. दिलकश तो नहीं होगा, दिलकश नज़ारे होते हैं, दिलकश सितारे होते हैं, बट द आंसर इज, इट इज कस्तूरी कॉटन, विच इज द नेम ऑफ इंडियाज प्रीमियम कॉटन राइस. आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर. यार मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज टेल मी गाइस, बिकॉज कुछ लोग कह रहे हैं आवाज का इशू है, पर मेरे हिसाब से तो आवाज का कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज माई वॉइस इज परफेक्टली फाइन. ओके, द एपेक्स काउंसिल ऑफ फॉर कृष्णा एंड गोदावरी गाइस इज बिटवीन आंध्रा एंड विच अदर स्टेट? निम्न में से कौन सा आपका स्टेट है जिसके बीच आपका कृष्णा, जिसके बीच आपका एक एपेक्स काउंसिल बनाया गया है कृष्णा गोदावरी का? तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला या फिर आपका नन ऑफ दीस? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज आपका तेलंगाना.
तेलंगाना इज एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आंध्रा और तेलंगाना के बीच आपका कृष्णा और गोदावरी का ये इशू है. क्वेश्चन वन गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइस, कौन सा वो स्टेट है जहाँ पर इंटरनेट आपका जो है वो एक फंडामेंटल राइट है. आई अगेन रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेड दैट इंटरनेट गाइस इज अ फंडामेंटल राइट इन द स्टेट. तो इंटरनेट जो फंडामेंटल राइट है आपका वो केरला के अंदर आता है. क्वेश्चन नंबर टू गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, कौन सा वो स्टेट है जिसने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर सेलिंग इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन. अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूस को सेल करने के लिए इनमें से किसने एग्रीमेंट किया है फ्लिपकार्ट के साथ. आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, वो कौन सा स्टेट है जो माइक्रो इरीगेशन में इंडिया का नंबर वन स्टेट है. इट इज द नंबर वन स्टेट गाइज ऑफ माइक्रो इरीगेशन. The answer is, it is option A, that is aapka Tamil Nadu. That is absolutely guys the correct answer. And question number 4 guys, inme se kaun se state mein aapka Arsalu station hai, which will have a Malgudi museum as well as a railway memorial museum. The answer is, it is aapka option B again, that is Karnataka. गाइज मैं आखिरी बार बोलूंगा, इसके बाद में सेशन में कभी नहीं बोलूंगा. अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं शेयर किया है, प्लीज शेयर द वीडियो ऑन टेलीग्राम, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो. चलिए अब मैं नहीं बोलूंगा पूरे सेशन में, आगे बढ़ते हैं. द बीच ऑफ वरोशा इन साइप्रस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कंट्री. निम्न में से कौन सा आपका देश है जहाँ पर वरोशा जो बीच है, जो वरोशा सिटी है, वो आपका है साइप्रस में, रशिया में, फ्रांस में, टर्की में, या फिर आपके चाइना में. इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज आपका टर्की. क्वेश्चन नंबर टू, न्यू कैलेडोनिया हैज रिजेक्टेड इट्स रेफरेंडम अगेंस्ट मूविंग आउट ऑफ विच कंट्री. किस देश से अलग होने में न्यू कैलेडोनिया ने अपना जो एक रेफरेंडम है उसको अस्वीकार किया है. उसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज आपका फ्रांस. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, कौन सा कंट्री है जिसने इंडिया को दिया है AK-203 राइफल्स. ये राइफल इंडिया को इसने दिया है. इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज आपका रशिया. निरंजन के यार, मेरे यार बार बार आप मत बोलो, मेरे यहाँ से वॉल्यूम परफेक्टली फाइन है. पता नहीं आपको कम क्यों आ रही है, बट फ्रॉम माय साइड देयर इज नो इश्यूज. ऑलराइट, ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूरोपियन यूनियन विल कट इट्स ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस बाय व्हाट परसेंट इन 2030. निम्न में से कितने फीसद तक आपका EU जो है वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को दोस्तों जो है वो चेक कर लेगा. 50%, 40%, 60%, 30% और इज इट 20%. इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, दैट इज 60%. 60% आपका जो है वो ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस का उसको दोस्तों जो है वो कम कर देगा. पहले आपका ये आपका अराउंड 40-30% था, पर अब आपका ये 60% हो गया है. पहले 40% था, नाउ इट इज़ एट 60%. पर एक टारगेट है कि कम से कम 55% तो कम हो सकता है, सो दैट दे कैन बिकम क्लाइमेट न्यूट्रल बाय 2050. वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. इंडिया हैज़ बैंड 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स लिस्टेड अंडर विच कन्वेंशन. भारत ने इनमें से किस कन्वेंशन के तहत 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को लिस्ट किया है. इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज द स्टॉकहोम कन्वेंशन. इसके जरिए 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को उन्होंने बैन किया है इंडिया के अंदर. द PM स्वनिधि पोर्टल हैज़ इंटीग्रेटेड इटसेल्फ विद विच बैंक्स पोर्टल. निम्न में से किस बैंक के पोर्टल के साथ PM स्वनिधि पोर्टल ने अपने को इंटीग्रेट किया है. ICICI, PNB, SBI, BOB या फिर आपका इंडियन बैंक. इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज आपका, इट इज SBI. SBI इसका बिल्कुल सही जवाब है. SBI इज एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर. मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर बनेगा गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच बैंक्स टैगलाइन इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक. इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसकी टैगलाइन है इंडिया का इंटरनेशनल बैंक. आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा. क्वेश्चन नंबर टू गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग IBE Note करके एक फैसिलिटी इनमें से किसने लॉन्च की है. अगेन रिपीट, IBE Note, उसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज इंडियन बैंक.
आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, वो कौन सा बैंक है जिसने कि लॉन्च किया है आपका व्हाट्सएप बैंकिंग और वॉइस बैंकिंग? उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज द ICICI बैंक. हाउ मेनी प्रपोजल्स हैव बीन क्लियर्ड बाय द कैबिनेट अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम? PLI स्कीम के अंतर्गत कितने प्रपोजल्स को सरकार ने दोस्तों हाल ही में स्वीकारा है? 14, 15, 16, 17 या फिर आपका 18? SSC वालों फटाफट शेयर करो, SSC पे 300 पहुंचना है, फटाफट शेयर द वीडियो SSC वालों. यस, द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज आपका 16. 16 प्रपोजल्स हैं. मेरा पहला सवाल बनेगा आपसे गाइस, कितना इंसेंटिव मैक्सिमम मिल सकता है आपका PLI स्कीम में? व्हाट इज द मैक्सिमम इंसेंटिव गाइस? हेलो अनिल नायक, वेल द आंसर इज इट इज 6. 6% तक का मैक्सिमम इंसेंटिव मिल सकता है और कंडीशन है कि द मोबाइल फ़ोन जो कि आप बेचते हो दैट शुड बी अबव ₹15,000, 15,000 रुपये से अधिक का वैल्यू होना चाहिए मोबाइल फ़ोन का, तो ही वो आपका एलिजिबल है फॉर द PLI स्कीम. कितना होना चाहिए? 15,000 रुपये से ज़्यादा तो ही आप एलिजिबल होते हो, वरना आप एलिजिबल नहीं होते हो. इस बात को सब लोग प्लीज़ समझ लीजिएगा. समझ में आ गया क्या बात है? आगे बढ़ते हैं. द कंपनसेशन सेस बाय द GST काउंसिल हैज बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड जून ऑफ विच ईयर? किस साल के जून महीने से आगे तक जो कंपनसेशन सेस सरकार GST काउंसिल स्टेट्स को देता है फॉर इंप्लीमेंटिंग GST, वो अब आपका कितना हो गया है? इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 2022, 2022 आपका वो सेस है, वो आपका दोस्तों जो है वो हो चुका है. बिल्कुल सही आंसर है. आगे बढ़ते हैं. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड पैन इंडिया टाइम सर्वे? इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने भारत भर में पैन इंडिया टाइम यू सर्वे को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज आपका MOSPI. MOSPI जो है उसने लॉन्च किया है आपका एक पैन इंडिया टाइम सर्वे. अब जरा मेरे को फटाफट बता देना, मिनिस्टर ऑफ अर्थ कौन है, अर्थ फॉर क्लाइमेट चेंज? आंसर है प्रकाश जावड़ेकर जी. मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स कौन है? आंसर है हरदीप सिंह पुरी जी. मिनिस्टर ऑफ SPI कौन है? मिस्टर राव इंद्रजीत सिंह जी. मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? मिसेज निर्मला सीतारमन जी. मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कौन है आपके? वो हैं आपके नितिन गडकरी साहब जो कि नागपुर से हैं. प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं. हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा सांसद हैं. MOSPI इंद्रजीत सिंह जी गुरुग्राम से हैं. कॉर्पोरेट अफेयर्स कर्नाटका से राज्यसभा सांसद हैं और गडकरी साहब मैंने पहले बता दिया आपका नागपुर से सांसद हैं. वॉट इज़ द एनुअल इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एनुअल इन्फ्लेशन टारगेट आपका क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 4% का एनुअल इन्फ्लेशन टारगेट है आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का. +2 -2 हो सकता है, पर मिनिमम जो है आपका जो एक एवरेज है दैट इज 4%. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? इनमें से कौन आपके एक एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के? शक्तिकांता दास जी, माइकल पात्रा जी, जयंत वर्मा जी, जनक राज जी, एंड वन ऑफ दीज? वेल द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज जयंत वर्मा. बात समझना, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं आपके 3 RBI के मेंबर्स, द RBI गवर्नर, द RBI डिप्टी गवर्नर एंड द RBI ED. गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास जी. डिप्टी गवर्नर कौन है? आपके माइकल पात्रा जी. और कौन है हमारे ED? जिनका नाम है जनक राज जी. ठीक है, तो आपका जयंत वर्मा जी और जो बाकी लोग हैं, आशिमा वर्मा हो गया, जयंत आशिमा गोयल हो गया या जयंत वर्मा हो गया, ऑल ऑफ दोज आर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द MPC. ओके, सो गाइज, अगर आपने 15 on 15 स्कोर किया है, इफ़ यू स्कोर 15 on 15 देन यू आर गाइज चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस. अगर आपका स्कोर गाइज 13 या फिर आपका 14 है तो गाइज आप जो इस समय हो ना, आप दोस्तों जो हो, आप मेरे हिसाब से आप जो हो वो हो आप डॉन ब्रैडमैन. ठीक है, अगर आपका स्कोर गाइज 10 से 12 के बीच है तो अभी आप हो संजू सैमसन, अभी आपको आगे जाना है काफ़ी. पर आपका स्कोर गाइज 5 से कम है तो भाई आप आशीष नेहरा हो बैटिंग के, प्लीज़ अपने आप को बेटर कर दो. ऑलराइट, ओके ओके, चल 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 तो शुरू करते हैं गाइस. ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर ट्राई करना 15 on 15 स्कोर करने में. राहुल कुमार जी, ओम बिरला जी जो हैं वो लोकसभा स्पीकर हैं. हाँ गाइस, आज 9th अक्टूबर है एंड टुडे
वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व। सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, आज 9 अक्टूबर है एंड टुडे द वर्ल्ड पोस्ट डे इज बेसिकली ऑब्जर्व। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द हिंदू स्टार्ट करेंगे, फिर हम बाकियों में चलेंगे। द एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी हैज डायरेक्टेड दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब टू एनफोर्स द GRAP। GRAP स्टैंड्स फॉर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जो हमारी EPCA है, जो कि एनवायरमेंट अथॉरिटी है, उसने कहा है कि आपका जो दिल्ली स्टेट है, जो हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ पर विंटर में पोल्यूशन बढ़ जाता है, दे शुड अप्लाई GRAP। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय GRAP। GRAP स्टैंड्स फॉर ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। GRAP को प्रिपेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। उन्होंने इसको दोस्तों जो है वो आपका प्रिपेयर किया है, एक सेकेंड, ठीक है। और इसका मेन पर्पस है टू प्रिवेंट द पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल को मॉडरेट से आगे ना बढ़ने देना। मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स हैं, स्पेशली PM10 और PM2.5, उनका जो लेवल है, इट शुड नॉट बिकम सीवियर, पुअर और बैड। इट शुड बी बियॉन्ड, नॉट बियॉन्ड द लेवल ऑफ मॉडरेट। ये टारगेट है एंड दैट लेवल इज गेज्ड बाय द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको डेवलप किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, और ये इन्फॉर्म करता है लोगों को कि जो 8 पोल्यूटेंट्स हैं, 2.5, 10 अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका लेवल कितना है। सो अगर PM10, PM2.5 के लेवल को मॉडरेट के बियॉन्ड नहीं जाना है, उसके लिए द एवरी स्टेट जहां पर पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहां पर GRAP को लगाने का एक ऑर्डर EPCA ने आपका दिया है। कतरा कतरा क्लियर हो गया। इसका हिंदी भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये पहले इसका हिंदी देख लो, ये रहा आपके सामने। तो जो ये दो जो आपके प्रदूषण के आपके लेवल्स हैं, इन्हें कम नहीं करना है। आई होप स्पेशली माई फ्रेंड्स हु लर्न इन इंग्लिश एंड जो हिंदी देखना चाहते हैं, उनको ये क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, अच्छा अब ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने वो इमेज। स्टेज 1 होता है मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी, स्टेज 2 वेरी पुअर कैटेगरी, स्टेज 3 सीवियरली पोल्यूटेड कैटेगरी और स्टेज 4 आपका इमरजेंसी, ठीक है। और इनके अलग अलग आपके इनमें एक्शंस हैं जिनको सरकार ले सकती है, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। ये जो GRAP है, इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अक्टूबर 15 से। देयर विल बी अ बैन ऑन डीजल जनरेटर्स, देयर विल बी अ बैन ऑन वॉशिंग ऑफ रोड्स एंड देयर विल बी अ बैन ऑफ नाइट पेट्रोल्स एट हॉटस्पॉट्स। इन ये तीन चीज़ें तो आपकी बैन रहेंगी। उसके अलावा जिस स्टेज पे सिटी रहेगा, उस स्टेज के हिसाब से वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो स्टेज 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो या फिर आपका 4 में हो। समझ में आ गया सबको, कतरा कतरा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। सेकेंड क्वार्टर में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, दैट हैज कम इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरे क्वार्टर का अधिकतम निवेश आपका देखा गया है, जिसमें सेकेंड रैंक पे आपका तमिलनाडु है। ओवरऑल जो एक इंक्रीज है आपका इन्वेस्टमेंट का, दैट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ 107% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। पिछले तिमाही से 107% का ग्रोथ आया है। इनमें सेकेंड नंबर पे आपका ऑफ कोर्स तमिलनाडु आता है। स्क्रीन पे भी आप अभी देखेंगे, ये रहा आपके सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ आपका 1 पे है, तमिलनाडु 2nd, कर्नाटका 3rd, गुजरात 4th, महाराष्ट्र 5th, UUP 6th और आंध्र आपका 7th। ओवरऑल 2,19,000 करोड़ का आपका जो एक 19 लाख करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से मैक्सिमम आपका जो है, दैट इज 35,771 करोड़ फॉर 114 प्रोजेक्ट्स, ये आपका गया है टू छत्तीसगढ़। अब आइए जरा छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है आपका रायपुर, गवर्नर है मिस अनुसुईया यूकी, यहाँ के CM हैं आपके भूपेश बघेल, टाइगर रिजर्व यहाँ पर हैं आपके इंद्रावती, उदांती, गुरु घासीदास, रिवर्स में गोदावरी है, मानदी है, इंद्रावती है, डैम्स में दुधवा डैम है, सुंदुर डैम है, कूटाघाट डैम है, लेक्स में दलपत सागर, विवेकानंद सरोवर, जगदालपुर लेक, फोक डांसेस में पंथी, पंडवनी, रावत नाचा, कर्मा और चैतर, ट्राइब्स में अगरिया, बिरहौर, बैगा, फेस्टिवल्स में हरेली, भोरमदेव, पोला, तीजा,
गोंचा कोरिया पावर प्लांट में, हसदेव केएसके महानदी लैंको अमरकंटक, इसका आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीके ट्यूटोरियल बाय कुश यशी, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबको समझ में आ गया, कतरा कतरा क्लियर हो गया, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली खबर पे आते हैं जो कि अब ये रही आपके सामने। वेटरन मराठी एक्टर अविनाश खरशिकर का देहांत हुआ है। ही वॉज वेरी वेल नोन फॉर डूइंग कॉमेडी रोल्स इन टीवी सीरियल्स, फिल्म एंड प्लेस। He was working in the Maharashtra industry in the Marathi cinema since 1978. इनकी prominent films में आपकी है आधार, आई तौर तुझे उपकार, माझा नवरा तुझी बाई को, ऐसी इन्होंने कई सारे मूवीज किया है। इनका नाम है दोस्तों आपका श्री अविनाश खरशिकर, और इनका दोस्तों हाल ही में आपका देहांत हो गया है। ही वॉज अ डॉयन ऑफ मराठी सिनेमा, और इनका कल आपका देहांत। The Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy has launched a new scheme for government school students. इस स्कीम का नाम है जगन्ना विद्या कनुका। ये स्कीम कवर करेगी 43 लाख स्टूडेंट्स को। दी स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम क्लास 1 to 10, और उन्हें किट्स प्रोवाइड करेगा आपका पढ़ने का, विच विल बी वर्थ 650 crores इन द नेक्स्ट 3 days। आने वाले 3 दिनों में जो बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के स्कूल्स के अंदर, उन्हें 650 करोड़ टोटल वैल्यू के एजुकेशन या स्टडी किट प्रोवाइड करेगा आपका दी आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, स्कीम का नाम है आपका जगन्ना विद्या कनुका। नाउ गाइस, आंध्र प्रदेश ऑल्सो हैज वेरियस अदर स्कीम्स जो कि उसने लॉन्च किए पिछले 6 महीनों में। YSR संपूर्ण पोषण, YSR चयुता, ई रक्षा बंधन और YSR जगन्ना, ये अदर स्कीम्स हैं जिसको कि कुछ समय पहले आंध्रा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है गाइस, एवरीवन एक बार प्लीज गो थ्रू इट, दीज आर द इम्पोर्टेंट स्कीम्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड येस्टरडे, एंड दिस अवार्ड हैज़ बीन वन बाय अमेरिकन पोएट लुई ग्लक। लुई ग्लक इज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द येल यूनिवर्सिटी। येल विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर हैं, और शी इज द फोर्थ वुमन टू विन द नोबेल लिटरेचर प्राइज। Overall, she is the 16th woman ever to win the Nobel Prize since 1901. इनके अलावा जो बाकी 3 winners हैं आपके वुमेन जिन्होंने जीता है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, उनके नाम हैं ओल्गा तोकार्जुक, स्वेतलाना एलेक्सीविच एंड एलिस मुनरो। इन द पास्ट 10 years, there are 4 writers और 4 poets who have won the Nobel Prize for Literature, जो वुमेन हैं उनमें ओल्गा हैं, स्वेतलाना हैं और एलिस हैं, और 4 जो हैं आपकी दैट इज मिस लुई ग्लक। ठीक है, इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वी विल टेल यू अबाउट नोबेल प्राइज, वी विल टेल यू अबाउट द डिटेल्स, बट उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इनका नाम है आपका लुई ग्लक। इंफोसिस जो है वो बाय करेगा $125 मिलियन में अ कंपनी कॉल्ड एज ब्लू एकॉर्न। ठीक है, इट विल बाय ब्लू एकॉर्न विच ऑफर्स डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस फॉर पीपल। अब बफरिंग हट गया होगा, ठीक है, अब बफरिंग हट गया होगा, परेशान ना होइए। सो इंफोसिस जो है दोस्तों, इट हैज़ बेसिकली अक्वायर्ड ब्लू एकॉर्न ICI, जो कि आपका $125 मिलियन में उसने दोस्तों जो है वो आपका अक्वायर किया है। ऑलराइट, और ये उसने जानकारी अभी हाल ही में आपको दी है। तो मैं रिपीट फिर से कर दूंगा गाइस, दैट ब्लू एकॉर्न हैज़ बीन अक्वायर्ड गाइस बाय दी इंफोसिस, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फाइनल्स हैं उनमें पहुंची हैं एक प्लेयर, उनका नाम है स्वैटेक। क्या नाम है उनका, आई यूज द नेम, इट इज़ स्वैटेक। द रीज़न वाई शी इज़ इम्पोर्टेंट इज बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट वुमन फ्रॉम पोलैंड टू रीच द फ्रेंच ओपन फाइनल्स। शी इज़ द सेकेंड वुमन आफ्टर एग्नीस्का हु रीच्ड द फाइनल्स ऑफ इन 1939, बट शी इज़ द फर्स्ट एवर पोलिश वुमन, फर्स्ट एवर वुमन फ्रॉम पोलैंड जो कि फ्रेंच ओपन के फाइनल में आपकी पहुंची हैं। शी इज़ ऑल्सो द लोएस्ट रैंक्ड वुमेंस प्लेयर टू एंटर इन टू द फाइनल्स। ये सिर्फ 19 साल की हैं, और गाइज ये इसके अलावा जो आपका फ्रेंच ओपन का वुमेंस डबल्स है, जो फ्रेंच ओपन का आपका जो आपका डबल्स ड्रॉ है उनमें भी दोस्तों जो है ये सेमीफाइनल्स में आपकी पहुँच चुकी हैं। इनका नाम है स्वैटेक,
एंड शी इज गाइस फ्रॉम पोलैंड। ये नाम आप यहाँ पर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। इनका नाम है स्वेटे। आगे बढ़ते हैं। उगांडा के एक आपके लंबी रेस के आपके धावक हैं, उनका नाम है जोशुआ चेपेतगई। जोशुआ चेपेतगई ने बनाया है नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मेंस 10,000 मीटर्स। गोल्डी जी पोलैंड बताया तो मैंने, आप नहीं पढ़े हो लगता ढंग से, पोलैंड बताया तो मैंने। अच्छा रिपीट करते हैं, जोशुआ चेपेतगई ये युगांडा से हैं एंड ही हैज़ ब्रोकन रिसेंटली द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 10,000 मीटर्स। ठीक है, और इन्होंने ये रिकॉर्ड आपका तोड़ा है। इनका रिकॉर्ड है अब 26 मिनट्स 11 सेकंड्स में। प्रीवियस रिकॉर्ड था आपका 26 मिनट्स 17 सेकंड्स बाय इथियोपियन केनिसिया बेकेले, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है जोशुआ चेपेतगई ने। इसके अलावा इथियोपिया के लेते सेनबेत गीदी जो है उन्होंने ब्रेक किया है अपना रिकॉर्ड 5,000 मीटर्स में। उनका रिकॉर्ड है अब 14 मिनट्स 6.62 सेकंड्स, और ये रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है ऑफ मिस तिरुनेश दिबाबा जिनका रिकॉर्ड था 14 मिनट्स 11 सेकंड्स। तो कल दो रिकॉर्ड आपके बने हैं, पहला बना है आपका बाय जोशुआ इन 10,000 मीटर्स एंड सेकंड बना है बाय गीडे इन दी 5,000 मीटर्स वुमेन्स रेस। ऑलराइट, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये है आपके सामने जोशुआ, इनका रिकॉर्ड है यहाँ पर युगांडा से हैं, और ये हैं आपके आपकी गीडे जिनका रिकॉर्ड है आपका वुमेन्स के 5,000 मीटर्स। कतरा कतरा क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एनालिसिस में। आइए ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने, पीआईबी के एनालिसिस, और ये रहा आपके सामने। AIIA ने अग्रीमेंट किया है एमिटी के साथ। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज़ डन एन अग्रीमेंट विद एमिटी। इस अग्रीमेंट का पर्पस है आयुर्वेदा में रिसर्च करना। ये MOU आपका साइन हुआ है AIIA और एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन के बीच, और इस अग्रीमेंट के बाद ये दोनों मिलकर जॉइंट प्रोजेक्ट्स लीड करेंगे और पब्लिकेशंस को पब्लिश करेंगे। तो रिपीट मैं फिर से कर दूंगा, इस AIIA एंड एमिटी हैव कोलैबोरेटेड। एमिटी का जो इंस्टीट्यूट है इंडियन सिस्टम मेडिसिन का, उसने अग्रीमेंट किया है विद द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, और मिलकर ये पब्लिकेशंस और रिसर्च आपका करने वाले हैं। सिंपल है। AIA आपका न्यूज़ में था क्योंकि कुछ टाइम पहले दे हैड इंट्रोड्यूस्ड अ मोबाइल वैन कॉल्ड एज धनवंतरी रथ, जिसको उन्होंने दिल्ली पुलिस के दिल्ली कॉलोनीज में टेस्टिंग के लिए आपका लॉन्च किया था। उससे पहले इन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ आयु रक्षा कैंपेन को भी लॉन्च किया था। सो देर आर थ्री रीजंस व्हाई द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज इन द न्यूज। ठीक है, दो रीजंस तो मैंने बता दिए, थर्ड रीजन आपका है MOU विद एमिटी यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं गाइज, दे हैव बीन रिफॉर्म्स इन द लाइसेंसिंग एंड द एक्सप्लोरेशन पॉलिसी ऑफ ऑयल एंड गैस। ये स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। इसको अप्रूव किया है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने। इसका ऑब्जेक्टिव है नया इन्वेस्टमेंट लाना, पॉलिसी को आसान करना एंड एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना। सो फॉर दीज थ्री ऑब्जेक्टिव्स दे हैव बीन रिफॉर्म्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसके अलावा अगर कोई भी आपका कंपनी अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाता है नॉर्मल गैस प्रोडक्शन से, तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा रॉयल्टी पेमेंट में। रॉयल्टी पेमेंट सरकार को जाती है, तो अगर कोई भी कंपनी अपने डोमेस्टिक फील्ड्स में प्रोडक्शन से ज़्यादा करती है तो उसे 10% का छूट दिया जाएगा ऑन पेइंग द रॉयल्टी टू द गवर्नमेंट। तो ये भी एक अपडेट यहाँ पर आपके सामने हमने बता दिया है। समझ में आ गया आपको गाइस? तो ऑयल एंड गैस के लिए नए नॉर्म्स आए हैं, नई पॉलिसी आई है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग। समझ में आ जाएगा सबको, क्या बात है यार, बफरिंग नहीं हो रही है बिना बात का, आप लोग बकवास मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ के बारे में, और वो ये रहा आपके सामने। HRD मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है ज्ञान सर्कल वेंचर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ज्ञान सर्कल वेंचर्स होता क्या है? ये एक बिजनेस इंक्यूबेटर है, मतलब एक ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जो कि सपोर्ट करेगा नए टेक्नोलॉजी को। दिस इंक्यूबेटर हैज़ बिन सेटअप एट IIIT चित्तूर, और यहीं से वो जो इस एरिया आंध्रा में जो अलग अलग कंपनीज हैं टेक कंपनीज, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। सो इंक्यूबेट मतलब क्या होता है? पैदा करना। सो इट विल ट्राई टू प्रमोट न्यू स्टार्टअप्स। उसको लॉन्च किया है आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक ने, और ये आपका IIIT चित्तूर आंध्रा में ये इंक्यूबेटर आपका बना है। इसका नाम है आपका ज्ञान सर्कल वेंचर। सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको
पढ़ना ज्यादा नहीं है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, वन ऑफ द दलित आइकन्स ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री, 8-time लोकसभा एमपी फ्रॉम हाजीपुर एंड करेंटली राज्यसभा एमपी फ्रॉम बिहार, श्री रामविलास पासवान, द फाउंडर ऑफ द नाम भूल रहा हूँ मैं, लोक जनशक्ति पार्टी, हैज़ पास्ड अवे। ही सर्वाइव्ड बाय हिज सिंगल सन चिराग पासवान, हु विल लीड द बिहार इलेक्शंस फॉर द LJP। और कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ है। रेस्ट इन पीस रामविलास पासवान जी। ये वो नेता थे जो हर पार्टी के साथ मिल जाते थे और पॉलिटिक्स कैसे की जाती है उसमें ये बहुत माहिर थे। एंड मे ही सोल रेस्ट इन पीस। इनका नाम दोस्तों जो है वो नाम है आपका रामविलास पासवान जी। जो लोग बिना बात के लिख रहे हैं ना बफरिंग बफरिंग बफरिंग, यार बफरिंग तो नहीं हो रही है यार मेरे भाई, बफरिंग कहाँ हो रहा है, प्लीज़ रिफ्रेश, बफरिंग नहीं हो रही है भाई मेरे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नो बफरिंग एट ऑल, कोई बफरिंग नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ब्रिक्स बैंक ने अप्रूव किया है अपने फंड्स फॉर द दिल्ली मेरठ रैपिड रेल। ओवरऑल उसने जो आपका अप्रूव किया है दैट इज $741 मिलियन। इनमें से $500 मिलियन उसने अप्रूव किया है फॉर द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट और $241 मिलियन किया है फॉर मुंबई मेट्रो रेल। जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है और RTS है, इट विल हैव अ टोटल लेंथ ऑफ 82.15 किलोमीटर्स, जिसमें करीब 25 स्टेशंस आपके यहाँ पर बनेंगे। मुंबई मेट्रो रेल जो है उसमें बनेगा आपका लाइन 6, जिसका लेंथ है आपका 14.47 किलोमीटर्स। तो बहुत ही सिंपल हेडलाइन है गाइस, दैट द मुंबई मेट्रो एंड द दिल्ली मेरठ रैपिड रेल सिस्टम विल बी गिवन ओवरऑल $741 मिलियन बाय द NDB और बाय ब्रिक्स बैंक। गाइस ब्रिक्स से याद आया, जो ब्रिक्स का समिट है दैट विल टेक प्लेस इन नवंबर 17 रशिया में होगा, और ब्रिक्स जो बैंक का जो ब्रिक्स का गेम्स हैं वो आपके अगले साल इंडिया में कराए जाएंगे। तो ये दो चीज़ें भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। सिमिलरली NDP के भी कुछ महीनों पहले बने हैं नए प्रेसिडेंट, उनका नाम है श्री मार्कोस ट्रॉइजो, हु इज फ्रॉम ब्राज़ील। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपका बनेगा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो कि 60 मिनट्स में आपका पहुंचा देगा आपको कहाँ, मेरठ। कहाँ से? दिल्ली से। तो ये एक अपडेट यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। गणेश प्रसाद गुप्ता जी, यार मैं क्या बताऊँ आपको, आप प्लीज़ ईयरफोन यूज़ करो बिकॉज मेरे तरफ से वॉइस का इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया की बहुत ही आपकी मशहूर फॉल्स है जिनका नाम है आपका जोग फॉल्स और जोग फॉल्स। जोग फॉल जो आपकी हैं, दीज आर इन कर्नाटका। कर्नाटका में दीज वाटरफॉल्स आर ऑन द रिवर श्रावती एंड दे आर सिचुएटेड इन द उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। द रीज़न वाई आपकी जोग फॉल्स न्यूज़ में है बिकॉज जोग फॉल्स को फेसलिफ्ट किया जाएगा, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, एक नया रोप वे बनाया जाएगा, सो इट इज़ अंडर गोइंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसका कॉस्ट है आपका 120 करोड़। अगर हम जोग फॉल्स की बात करें तो इंडिया की ये तीसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल है आफ्टर नोहा कलिकाई इन मेघालय एंड दूधसागर वाटरफॉल्स इन आपका गोवा। उनके बाद ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आपकी सबसे ऊंची आपकी वाटरफॉल है, इसका नाम है आपका जोग फॉल्स। अब एक सवाल बनेगा सर कि इंडिया में कौन कौन सी फॉल इम्पोर्टेंट है, तो बेटा ये रहा आपके सामने एक डेटा। सबसे पहले ये वाटरफॉल्स आपकी कर्नाटका मेघालय केरला और तमिलनाडु से हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना नोहा कलिकाई फॉल्स, ये सबसे ये फॉल जो है ये आपका मेघालय में है। सिमिलरली दूधसागर फॉल्स कहाँ पर है, कर्नाटका में भी दिखता है और गोवा में भी दिखता है। देन इन फॉल्स में जोग फॉल्स कहाँ पर है, आपकी सागर कर्नाटका में है। सिमिलरली और फॉल्स आती हैं आपके सामने, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसे कि दुदुमा फॉल्स उड़ीसा, लोथ फॉल्स झारखंड, देन स्वीट फॉल्स मेघालय, देन पालरुवी फॉल्स कोल्लम डिस्ट्रिक्ट,
तो आप सारा पढ़ सकते हैं, बुंडला फॉल्स हिमाचल, तो ये प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है परेशानी की बात नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके PDF के लिए है, ठीक है। प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ दे दिया मैंने आपको, जितनी भी वाटरफॉल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मैंने बैठ के बनाया इसको और मैंने आपको दे दिया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको, नोबेल प्राइज लिटरेचर का दिया गया है किसको, लुई ग्लक को। इनकी फेमस पोएम्स हैं द वाइल्ड आयरिस, द फेथफुल वर्चुअस नाइट, और इनको द वाइल्ड आयरिस के लिए दिया गया था पुलित्ज़र प्राइज भी आपका 1993 में। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द US पोएट लॉरियल इन 2003, ठीक है। इनका नाम है आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब गाइस, क्योंकि हम बात कर नोबेल प्राइज की, तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं जादू, बिकॉज जादू से क्या होगा, जादू से हम दिखाएंगे नोबेल प्राइज के बारे में। तो आइए जरा नोबेल प्राइज के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज की शुरुआत, नोबेल प्राइज जो नाम है, दिस पर्टिकुलर नेम गाइस इज नेम्ड आफ्टर एल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, और इनकी विल के साइन के बाद 5 कैटेगरीज में आपका नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है। इन कैटेगरीज के नाम हैं केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड मेडिसिन। पहली बार ये अवार्ड आपके दिए गए 1901 में। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द अवार्ड्स गाइज वर गिवन इन 1901, और 1901 से 2019 के बीच आपका दिया गया नोबेल प्राइज आपका, और इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज आपका 1969 में आपका स्टार्ट किया गया। जो प्राइज सेरेमनी होती है दैट टेक्स प्लेस इन स्टॉकहोम स्वीडन, और पीस पर सेरेमनी आपकी होती है उसमें नॉर्वे में, और यंगेस्ट नोबेल लॉरियट है आपके मलाल यूसुफ जई 2014 में 17 ईयर्स, एंड ओल्डेस्ट नोबेल लॉरियट है आपके जॉन बी गुडेनफ केमिस्ट्री के लिए 2019। अगर विनर्स की बात करें तो ये मेडिसिन के विनर्स हैं आपके सामने, हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एवराइस। सिमिलरली गाइज, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के नोबेल लॉरियट्स हैं रॉबर्ट रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गैस, जिनको ब्लैक होल और एक्सप्लोरेशन ऑफ सुपरमासिव कंसेप्ट के लिए मिला। सिमिलरली गाइज, केमिस्ट्री के आपके नोबेल लॉरियट्स हैं इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर ए टूडना, दे हैव बीन अवार्डेड फॉर द क्रिस्पर नाइन सीजर, और आखिरी में लिटरेचर के जो नोबेल लॉरियट हैं उनका नाम है लुई ग्लक, उनको ये अवार्ड दिया गया है। बाकी जो पीस प्राइज है उसको आज लॉन्च किया जाएगा, और पहला पीस प्राइज दिया गया था तो हेनरी डूनेंट और फेडरिक पैसी को, पर आज के दिन पीस प्राइज आपका दिया जाएगा, और नोबेल इकोनॉमिक साइंस का प्राइज जो है वो आपका कल दिया जाएगा, उसको भी हम यहाँ पर फॉलो करते रहेंगे। सबको समझ में आ गया गाइस, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यस सर यस सर यस सर, हमें समझ में आ गया, मज़ा आ गया। नोबेल प्राइज इज़ नॉट गिवन फॉर मैथ्स, ऐसा कहा जाता है कि कॉलेज में मैथ्स के प्रोफेसर थे एक, और वहाँ पर आपके मैथ्स पढ़ रहे थे आपके एल्फ्रेड नोबेल, उनकी गर्लफ्रेंड थी, मैथ्स के जो प्रोफेसर हैं वो उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गए थे, इस वजह से नोबेल प्राइज़ आपका मैथ्स में दिया नहीं जाता है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट रीज़न क्या है, बट मैथ्स का प्राइज़ अलग होता है, दैट इज़ दी एबल प्राइज़, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यस, लेट्स नाउ प्रोसीड गाइस टू द नेक्स्ट हेडलाइन, जो कि ये रही आपके सामने। भारत की जो GDP है दैट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6%, नेगेटिव 9.6% पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसा कह रहा है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हैज सेड इट विल बी अ नेगेटिव 9.6%, और साउथ एशिया का जो आपका इकोनॉमी है वो भी आपकी नेगेटिव 7.7% पर आपकी गिरावट देखी जाएगी। सो एज पर दी वर्ल्ड बैंक, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है दैट विल बी अ नेगेटिव 9.6%, और साउथ एशिया रीजन में जो आपका ग्रोथ रेट है दैट विल बी अ नेगेटिव 7.7%, इतना ही आप यहाँ पर याद कर रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो एलोकेशन है स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट एरियाज के लिए, उसका एलोकेशन बढ़ाया है। अर्लियर द एलोकेशन ऑफ फंड्स वॉज 390 crores, पर अब ये फंड आपका 760 करोड़ पर पहुंच गया है। इस 760 करोड़ में से 300 करोड़ सिर्फ आपका अरुणाचल के लिए ही स्पेशली एलोकेट किया गया है। तो रिपीट मैं फिर से करूंगा गाइस, फॉर द SARDP NE स्कीम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने एलोकेशन बढ़ाया है। नाउ द एलोकेशन गाइस इज एट 760 करोड़, इसमें से 300 करोड़ आपका दिया गया है सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए, याद रहेगा सबको, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं।
IISc बेंगलुरु ने डेवलप किया है एक बैंडेड, उसने एक बैंडेड डेवलप किया है जो कि यूज़ करेगा मैग्नेटिक नैनो फाइबर को, और जिससे स्किन कैंसर को हीटिंग प्रक्रिया से क्योर करने में हेल्प मिलेगी। अगेन रिपीट गाइस, IISc बेंगलुरु हैज़ डेवलप्ड अ बैंडेज दैट यूजेस मैग्नेटिक फाइबर टेक्नोलॉजी, और जिसको हीट करने से जो स्किन कैंसर के आपके आपके चांसेस हैं उसमें कमी आएगी। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया, जहां पर अफेक्टेड टिश्यूज पर हम हीट लगाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विद दिस पर्टिकुलर इन्वेंशन गाइस इज द सेंटर फॉर बायोसिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो ये बैंडेज होगा ये बना होगा आपका एक ऑक्साइड का फ्रॉम आयरन Fe3O4, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कॉल्ड कार्प्रोलैक्टिन पेस्टेड ऑन सर्जिकल टेप। तो ये इन तीन चीज़ों से, आयरन से, Fe3O4 से और PCL से बना होगा, और जब इसको पेस्ट करेंगे तो आपका जो एक वो फाइबर है वो आपका दोस्तों जो है वो आपका जो आपका एक वो जो आपका वहाँ पर एक आपका एक निकला है छिद्र, दैट विल बी कैंसर्ड। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने, जैसे कि ये आपका ट्यूमर है, ठीक है, ये आपके बॉडी पे है। इस ट्यूमर पे आपने क्या लगाया, बैंडेड लगाया। ये बैंडेड का इससे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बना, उससे ट्रीटमेंट में आपका ऐसे बन गया आपका वो जो आपका ट्यूमर था, और आफ्टर द रिकवरी आपका ट्यूमर गायब हो गया। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, एंड हाउ दिस इज़ हाउ दिस एंटायर टेक्नोलॉजी विल वर्क। तो इसको लॉन्च किया है आपके IISc बेंगलुरु ने। समझ में आ गया सबको, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश गाइस हैज लॉन्च्ड अ मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट एट मोदी नगर इन गाजियाबाद। गाजियाबाद में जो मोदी नगर है वहाँ पर योगी जी ने वहाँ पर लॉन्च किया है आपका आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट। दिस प्लांट विल प्रोवाइड मेडिकल ऑक्सीजन अप टू 150 टन पर डे, और ओवरऑल 1000 टन तक ऑक्सीजन यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सवाल बनेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट, एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन वुड बी इट इज आपका यूपी में आपका गाजियाबाद में ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो है उसको लॉन्च किया गया है। सिंपल हेडलाइन है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के वाइंस पर, और वाइंस का ये रहा पहला हेडलाइन, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स से जो आपकी नेचुरल गैस है उसको उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और बिडिंग प्रोसेस में आपकी यूनिफॉर्मिटी आएगी, और अफिलिएट कंपनीज को अलाउ किया जाएगा कि वो इस बिडिंग प्रोसेस में आपका हिस्सा बन सके। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स हुए हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट लाने के लिए आपके किया गया है, नंबर वन। नंबर टू, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किया गया है, और अफिलिएट कंपनीज जो आपकी संबंधित कंपनियां हैं वो भी इस बोली में आपका हिस्सा हो सकती है। इसमें कुछ भी करना नहीं है, इसमें आपको अगर आप भूल भी जाओ इसको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड कॉटन डे गाइस वाज ऑब्जर्व ऑन द 7th of October। इट वाज द सेकंड टाइम व्हेन द वर्ल्ड कॉटन डे वाज ऑब्जर्व। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 2019 में, जब कॉटन फोर कंट्रीज बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, इन्होंने मिलकर लॉन्च कराया था वर्ल्ड कॉटन डे में। और ये लॉन्च हुआ था इन कोलैबोरेशन विद UN, विद फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विद यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन फॉर ट्रेड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और ICAC। इन्होंने मिलकर इसको अगले साल पिछले कराया था, और इसका मेन खासियत ये है टू रिकगनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन एज अ ग्लोबल कमोडिटी grown in over 75 countries। तो ये आपका 7th October को आपका बनाया जाता है। थीम मैंने ऑलरेडी कल बता दिया है, इंडिया में इसका नया लोगो लॉन्च हुआ है, उसका एक नया ब्रांड इंडिया का, उसका नाम है आपका कस्तूरी कॉटन। आगे बढ़ते हैं गाइज, एक बार बार सवाल आता है कि स्टार कैंपेनर को कम किया जाए, द स्टार कैंपेनर शुड बी रिवाइज्ड। स्टार कैंपेनर्स आपके ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो किसी पार्टी के लिए या किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेन करते हैं। So according to the new changes by the Election Commission, maximum number of star campaigners for a party that is recognized, party जिसके पास 1% से ज़्यादा वोट हैं ओवरऑल, उसको 30 कर दिया गया है, 30 campaigners तक हो सकते हैं।
और अगर एक पार्टी है जिसके वोट शेयर पूरे स्टेट में 1% से कम है पिछले इलेक्शन में, उनको 15 कर दिया है 20 से। साथ ही साथ जो खर्चा है वो खर्चा आपका कैंडिडेट के खर्चे से एग्जेम्प्ट किया जाएगा, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट। तो ये भी अपडेट यहाँ पर आपका किया गया है। सो फॉर अ रिकग्नाइज्ड पार्टी द मैक्सिमम स्टार कैंपेनर शुड बी 30, फॉर अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी द मैक्सिमम कैंपेनर शुड बी 15, एंड द एक्सपेंडिचर फॉर दीज कैंपेनर्स विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट। उसके खर्चे का ये पार्ट आपका, इट विल नॉट बी अ पार्ट गाइज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्शन कैंडिडेट। ऑलराइट, सो दैट विल बी अ पार्ट। The US government guys has issued new rules and these new rules guys are for H1B। इसके लिए नए रूल्स आए हैं और इन रूल्स ने और मुश्किल कर दिया है टू गेटिंग एक्सेस टू H1B norms। H1B क्या होता है? H1B आपका is awarded to a person who is in a specialty occupation। For this he need to have a higher degree in that equivalent, for example he need to have a BS, BTech or MS or MTech in that particular concept, उसे मिलता है H1B। L1B visa मिलता है when a company allows transfer of highly skilled workers to the US for a period of 7 years। 7 साल तक L1 visa मिलता है जब एक when a particular person transfers people, when a particular company transfers higher skilled people to the US for 7 years। H2B visa मिलता है for allowing food and agricultural workers to seek employment in the US। And J1 visa is for students who are on work study summer program, उनको मिलता है आपका J1 visa। So H1B, L1, H2B और J1, B का full form कुछ नहीं होता, H1B, L1, H2B and J1, ये आपके सामने दिया हुआ है, ये आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है? Yes। In the Namdafa Tiger Reserve, a new species of crab has been found। The name of the species guys is Abortelfusa namdafanensis। Jahan par Abortelfusa has been taken from Abor Hills and the species name is taken from Namdafa Tiger Reserve। To ek naya crab species aapka jo hai, nahi ye award nahi hota bhai, ye ek visa hota hai, it's a visa my friends, it's a visa bhai mere, it's a visa that is offered। Yes। राइट, अब आते हैं हमारे दोस्तों आज के चैंपियन पे। तो कल के जो मैक्सिमम आंसर दिए, सबसे पहले वो आंसर दिए फिर से दीप गोयल ने। भैया दीप गोयल, आप बाकी लोग को टाइम कब दोगे? इन्होंने सबसे ज़्यादा आंसर दिए हैं, सबसे सही। एंड विनर्स में बात करें तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। हाँ, वी हैव अ न्यू चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, उनका नाम है आपका हिमांशु, आपका नाम है हिमांशु कांडा और प्रणय, ये दो लोग नए आए हैं। बाकी मिली फैस तो लगातार लगे बने हुए हैं। अगर आपको भी बनना है चैम्पियन ऑफ चैम्पियन, यू हैव टू आंसर द होमवर्क। ये कल का होमवर्क था और ये आज का होमवर्क है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पेस वीक? आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, शशांक भिड़े आर मेंबर्स ऑफ विच कमिटी? एमएसएमई प्रेरणा को किसने लॉन्च किया, किस बैंक लॉन्च किया है? यूएस हैज सेट अप अ फॉरेन कमर्शियल सर्विस ऑफिस इन विच एशियन कंट्री? और कौन से इंडियन एक्टर को कन्फर्म किया गया है विद द UNDP स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड? इनके आंसर्स आपको दोस्तों करने हैं, ऑलराइट। और ये आंसर्स करने हैं आपको इस ईमेल आईडी पर, अपनी फोटो के साथ प्लीज़ भेजिएगा। और इस टेलीग्राम पे भी आपको अपने आंसर्स को सबसे पहले भेजना है। तो इन दोनों पे सबसे पहले जो भेजेंगे उनको हम यहाँ पर विनर बताएंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, दीज आर क्वेश्चंस। ऑलराइट, एंड बाय गाइस, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, गो बेटर, गो गेट अप। बाकी एक सेकेंड में आपको लिंक देता हूँ टेलीग्राम का, ताकि आपको वो लिंक मिल सके। 1 सेकेंड, दिस इज द लिंक गाइस जो कि आपको मिल सकता है, ये वो लिंक है जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। आई विल मीट यू अगेन नाउ टुमारो। बाय गाइस, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, गो बेटर एंड गो गेट अप। बाय।